एक तरफ हरियाणा सरकार गीता जयंती पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, गीता जयंती मनाई जा रही है, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, करनाल में भी आज गीता जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया जिसमें करनाल लोकसभा सीट से सांसद और करनाल के आसपास के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे। लेकिन इस समय श्रीमद भगवद गीता द्वार 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था, एक तरफ गीता जयंती पर करोड़ों लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री विधायक दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया जा रहा है, लेकिन करनाल सीएम सिटी करनाल के एंट्रेंस पे श्रीमद भगवद गीता द्वार बड़े बड़े जाले आप देख सकते हैं, गंदगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे भगवान का एक स्वरूप एक विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है श्रीमद भगवद गीता द्वार पर, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक पूरा जालों से ढकी हुई है, जाले ही जाले देखे जा सकते हैं, गंदगी ही गंदगी देखी जा सकती है। क्या श्रीमद भगवद गीता द्वार पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की नजर नहीं पड़ी होगी? रोजाना यहाँ से कई विधायक कई मंत्री यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी निकलते होंगे, लेकिन इसको साफ करने की कोशिश नहीं की किसी ने की। एक तरफ तो गीता जयंती पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन सीएम सिटी करनाल के शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की लागत से ये गेट बनाया गया था जिस पर आप देख सकते हैं गंदगी ही गंदगी भगवान की मूर्तियों पर देखी जा सकती है। भगवान की जो प्रतिमा यहाँ पर एक लगाई गई है आप देख सकते हैं, एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है, उसको पूरा जालों से ढका हुआ है, जालों से वह ढक चुकी है, गंदगी से ढकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज की इस खबर का जोरदार असर होगा और जल्द से जल्द यह साफ होनी चाहिए, जल्द से जल्द प्रशासन इसको साफ करेगा और उस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ गीता जयंती पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, हर साल खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपए का बजट निकाला जाता है, मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया जाता है, लेकिन क्या भगवान की जो ये प्रतिमाएं भगवान के नाम से जो ये गेट बनाए जाते हैं इनकी साफ सफाई क्या प्रशासन को नहीं करानी चाहिए? हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते हैं और हमारी भावनाएं बहुत ज्यादा जुड़ी होती हैं, लेकिन आप देख पा रहे हैं किस तरीके से श्रीमद भगवद गीता द्वार जो करनाल की एंट्री पर सीएम सिटी में इस तरीके से बना हुआ और उसमें जाले आप लोग देख पा रहे हैं कितने ज्यादा हुए हुए, मेंटेनेंस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं की गई है। आप सोच सकते हैं कि गीता जयंती महोत्सव कितना महत्व रखता है हमारे लिए, कि अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी वो खुद कुरुक्षेत्र पहुंचती है उसमें शामिल होने के लिए, और यहाँ पर अगर हालात देख आप देख सकते हैं कि किस तरीके से करनाल में जो द्वार बना हुआ है कितने ज्यादा इसमें जाले लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा। तो प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई की भी कितनी ज्यादा जरूरत होती है, लोग अगर बाहर से आ रहे हैं हमारे शहर में तो किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है उनका हमारे शहर का, किस तरीके से कितनी गलत चीजें ये दिखाई दे रही है। आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा जाले, और आप देख सकते हैं कि अगर ये इतने ज्यादा है तो कितने वक्त से रहे होंगे, इतना टाइम से इसकी साफ सफाई जो है बिल्कुल भी नहीं करवाई गई है। तो हमारी यही अपील है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको पता चले कि आखिरकार कितना जाले कितने ज्यादा हुए हुए हैं द्वार पर श्रीमद भगवद गीता द्वार, और लोगों के इमोशंस जरूर जुड़े होते हैं। और जिस तरीके से इतने दिनों का गीता महोत्सव वहां कुरुक्षेत्र में चल रहा है तो इस चीज की और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और अक्सर देखा जाता है लोग अपने घरों की सफाई तो कर लेते हैं और शहर जो है शहर भी हमारा है तो प्रशासन का जरूर फर्ज बनता है। आप देख पा रहे हैं कितने ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर जाले दिखा रहे हैं, कितनी गंदगी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ नहीं है, किस तरीके से करनाल करण नगरी माना जाता है हमारा उस चीज़ से ही रिलेटेड है। तो अगर भगवद गीता द्वार बना वो इस तरीके से साफ सुथरा नहीं होगा, उस पर जाले लगे हुए हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं क्या कुछ प्रभाव जो बाहर के लोग हमारे करनाल में हमारे शहर में आने वाले उन्हें किस तरीके से लगेगा, या अगर हम भी यहाँ से गुजर रहे हैं। और अक्सर ये स्मार्ट रोड है, मैं आपको बता दूँ ये स्मार्ट रोड है, स्मार्ट रोड से काफ़ी जो है पॉलिटिशियंस या कुछ ना कुछ लोग यहाँ से बड़े लोग अधिकारी जरूर यहाँ से गुजरते हैं, तो क्या उनकी नजर आज तक नहीं गई? जो आम लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि हमारे शहर में इस तरीके से गंदगी हो रही है। तो यही मैं कहूंगी कि प्रशासन की और ये वीडियो जरूर जाए, आप लोगों से अपील करूंगी कि वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका ध्यान जाए और ये जो इतने बुरे तरीके से जो श्रीमद भगवद गीता द्वार पर जाले लगे हुए हैं उनकी साफ सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सीएम सिटी करनाल की स्मार्ट रोड को इस टाइम देख पा रहे होंगे, स्मार्ट रोड में कितने गड्ढे हैं।
आप देख सकते हैं कि गंदगी कितनी ज्यादा है अगर देखी जाए तो। और इसे जो है स्मार्ट सिटी की स्मार्ट रोड कहा जाता है, जहां एक तरफ स्मार्ट रोड है वहीं दूसरी तरफ जो है करनाल की जो मुख्य एंट्री पॉइंट है उसका एक मुख्य द्वार है जिसे गीता द्वार के नाम से जो है यहाँ बनवाया गया था। तो कितने लाखों करोड़ों के टेंडर पे जो है ये प्रोजेक्ट बना था, लेकिन महज बनवा देने से का क्या प्रशासन का काम पूरा हो जाता है? नहीं, क्योंकि अगर आप जो है पास से गौर करेंगे तो यहाँ जगह जगह जो है कितने जाले लगे हुए हैं, कितनी मिट्टी देखने मिल रही है। तो अगर करनाल के कुछ मुख्य जो द्वार है उसमें से एक की हालत ऐसी है तो फिर आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ आने वाले रोजमर्रा के बाहर के लोग होंगे उन पे सीएम सिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। करनाल को यूं तो कर्ण नगरी भी कहा जाता है और अब तो ये सीएम सिटी भी बन चुकी है, लेकिन स्मार्ट सिटी का ऐसा हाल देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि इसमें कुछ भी स्मार्ट है। इतनी गंदगी आपको देखने मिलेगी, जगह जगह जाले लगे हुए हैं। और जो करनाल शहर है ना वो पौराणिक कथाओं में जो है एक अहम जो है हिस्सा है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे गीता द्वार श्री कृष्ण का स्वरूप बनाया गया है, तो अगर यहाँ पे जो है इस तरीके की गंदगी मिलेगी तो लोगों की जो आस्थाएं जो है जुड़ी हुई हैं, कुछ माइथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, उनको जो है ठेस जरूर पहुंचता है। क्या प्रशासन, ये जो है मेन सड़क है, स्मार्ट सिटी है, बाहर के जो छोटे मोटे गांव है, दूसरे शहर है, उससे जो है हमारे शहर को कनेक्ट भी करती है, तो यहाँ से जो है रोज कितने जो है मिनिस्टर्स निकलते होंगे, सीएम निकलते होंगे, तो अगर उनका क्या इस पे एक भी बार ध्यान नहीं पड़ा होगा, क्या इतनी नजरअंदाजी जो है वो बर्दाश्त करने लायक है? कि आप देखिए कि कितने यहाँ पे जो है जाले लगे हुए हैं, नीचे ऊपर गंदगी कितनी ज्यादा है। एक तरफ ये द्वार है, दूसरी तरफ स्मार्ट रोड है, स्मार्ट रोड में कितने गड्ढे हैं। जब इन प्रोजेक्ट्स को जो है बनाया जाता है या इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मैनिफेस्टोज के साथ जो है इस तरीके के प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जाता है, लेकिन जब कुछ वक्त बीत जाता है तो उसके बाद जो है उनके साथ इतनी इग्नोरेंस और इतनी नज़रअंदाजी की जाती है, सड़क टूट जाती है, तो काहे की ये स्मार्ट रोड रही। और दूसरा ये जो आप देख रहे हैं, मतलब देखिए कि गीता जयंती आजकल जो है कुरुक्षेत्र में मनाई जा रही है, वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ हैं पॉलिटिक्स की वो पहुँच रही हैं, जगह जगह जो है यहाँ पर आज ऑडिटोरियम में भी गीता जयंती का जो है करनाल में जो है फंक्शन रखा गया है, तो ऐसे में जो है यहाँ पे कितने मिनिस्टर्स जो है पहुँचेंगे। लेकिन एक तरफ हम ऐसे जो है करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरीके के जो है दिन मना रहे हैं, और दूसरी तरफ जिसे हमने जो है करोड़ों रुपए खर्च करके प्रशासन ने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपने सीएम सिटी करण नगरी के लिए इस तरीके का जो है स्वरूप बनाया, द्वार बनाया, लेकिन अब जो उसकी हालत है वो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही गंदगी से भरी हुई है, जाले लगे हुए हैं। तो अपील करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की सिर्फ यही रहेगी, ऐसे जो सामाजिक कुछ जो इश्यूज़ हैं उसको उठाते हुए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमेशा यही अपील करता है कि सफाई का ध्यान रखा जाए। बनाना बहुत अच्छी बात है लेकिन उसको मेंटेन करना उससे भी ज़रूरी होता है। तो इसे जो है यही अपील रहेगी प्रशासन से कि इसे जल्दी से जल्दी सफाई कर्मचारियों की मदद से जो है साफ कराया जाए, ताकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका सीएम सिटी पे जो है जो इफेक्ट, जो इम्पैक्ट हमारे शहर का है वो हम करनालवासी होते हुए ज़रूर चाहेंगे कि अच्छा पड़े। तो इसे जो है साफ कराना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो बात है वो प्रशासन तक ज़रूर पहुँच पाए। वीडियो को शेयर करें। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। एक तरफ हरियाणा सरकार गीता जयंती पर करोड़ों रुपया खर्च कर रही है, गीता जयंती मनाई जा रही है, कुरुक्षेत्र में बड़े बड़े साधु संत आ रहे हैं, करनाल में भी आज गीता जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम ऑडिटोरियम में रखा गया जिसमें करनाल लोकसभा सीट से सांसद और करनाल के आसपास के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए थे। लेकिन इस समय श्रीमद भगवत गीता द्वार 1 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। एक तरफ गीता जयंती पर करोड़ों लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री उनको बुलाया जा रहा है, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया जा रहा है, लेकिन करनाल सीएम सिटी करनाल के एंट्रेंस पे श्रीमद भगवत गीता द्वार, बड़े बड़े जाले आप देख सकते हैं, गंदगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे भगवान का एक स्वरूप, एक विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है श्रीमद भगवत गीता द्वार पर, और उसके ऊपर आप देख सकते हैं एक पूरा जालों से ढकी हुई है, जाले ही जाले देखे जा सकते हैं, गंदगी ही गंदगी देखी जा सकती है। क्या श्रीमद भगवत गीता द्वार पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की नजर नहीं पड़ी होगी? रोजाना यहाँ से कई विधायक, कई मंत्री, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी निकलते होंगे, लेकिन इसको साफ करने की कोशिश नहीं की किसी ने की। एक तरफ तो गीता जयंती पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन सीएम सिटी करनाल के शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की लागत से ये गेट बनाया गया था जिस पर आप देख सकते हैं गंदगी ही गंदगी भगवान की मूर्तियों पर देखी जा सकती है। भगवान की जो प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है आप देख सकते हैं, एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है, उसको
पूरा जालों से ढका हुआ है, जालों से वह ढक चुकी है, गंदगी से ढकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि करनाल बेकिंग न्यूज़ की इस खबर का जोरदार असर होगा और जल्द से जल्द यह साफ होनी चाहिए, जल्द से जल्द प्रशासन इसको साफ करेगा और उस खबर को भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ गीता जयंती पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, हर साल खर्च किया जाता है, करोड़ों रुपये का बजट निकाला जाता है, मुख्यमंत्री आते हैं, बड़े बड़े साधु संतों को बुलाया जाता है, लेकिन क्या भगवान की जो ये प्रतिमाएं भगवान के नाम से जो ये गेट बनाए जाते हैं इनकी साफ सफाई क्या प्रशासन को नहीं करानी चाहिए? हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर